अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज ही मैं अपना पहला यूट्यूब ट्यूटोरियल सिनफिग स्टूडियो के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ। मुझे कुछ दिनों पहले रिक्वेस्ट आई थी कि सिनफिग स्टूडियो में एच डी वीडियो किस तरह बनाते हैं, तो इसलिए मैं उसके ऊपर ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। एक और बात यह है कि मैं ट्यूटोरियल इंग्लिश और उर्दू दोनों में बनाऊंगा, तो अगर कोई ट्यूटोरियल इंग्लिश में अपलोड होता है तो उसका उलट उर्दू में भी मिलेगा आपको मेरे चैनल के ऊपर। तो शुरू करते हैं सिनफिग स्टूडियो में। सबसे पहले आप कैनवस का जो साइज़ है वो प्रॉपर्टीज़ में जाके चेंज कर दें, और जो विड्थ है 1920 सेट कर दें, और हाइट जो है वो 1080 सेट करें। ये स्टैंडर्ड एच डी साइज है। फिर इसे अप्लाई करें और ओके कर दें, तो देखें कैनवस का साइज बढ़ चुका है। फिर कंट्रोल वहाँ पे दबा के स्क्रोल माउस को करें, तो ये देखें कैनवस पर नॉर्मल साइज में आ जाएगी। फिर आप रेंडर सेटिंग्स में जाते हैं, तो रेंडर सेटिंग्स में देखें कि विड्थ और हाइट वो एग्जैक्ट वही है जो हम लोग चाहते हैं। एंटी अलियासिंग का जो नंबर है ये 20 से ऊपर या ऊपर रख दें तो ज़्यादा बेहतर है ये, ताकि ब्लरीनेस ना आए। और जो क्वालिटी है ये 1, 2 या 3 पे सेट कर दें, और उसके बाद आप रेंडर कर दें तो आपको एच डी वीडियो मिल जाएगी। लेकिन एक और चीज़ ये भी है कि आपको टारगेट का जो है ऑटो एफ एफ एमपेग करना पड़ेगा ताकि वीडियो रेंडर हो, और जो लोकेशन है चूज़ कर लें, ठीक है, जहाँ पे आप वीडियो सेव करना चाहते हैं, और पी एन जी की जगह एम पी फोर ए वी जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है वो कर लें। और एक और चीज़ ये है कि इसके बाद आप रेंडर कर दें तो आपकी इमेज जहाँ पे लोकेशन जहाँ पे आप करना चाहते हैं वहाँ पे सेव हो जाएगी। तो अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई और ट्यूटोरियल आप देखना चाहते हैं सिनफिग के बारे में या ब्लेंडर के बारे में तो कमेंट कर दें। ठीक है, फिर आप मिलते हैं। आप शुक्रिया।